हाय दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि आप लोगों को पता है 10 मार्च 2021 में यूट्यूब ने एक नया अपडेट किया है उसका प्लेटफॉर्म में। आप लोगों को पता है कि यूट्यूब कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है, तो एक एडसेंस को लेकर एक अपडेट आया है टैक्स के रिलेटेड, ठीक है ना। अगर आपके चैनल में 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर है और आपका चैनल मोनिटाइज हो चुका है, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आपको ये टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो है ना, ये फिलअप करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये फॉर्म अगर आप फिलअप नहीं करोगे तो आपका एडसेंस अकाउंट से जितना भी पेमेंट आएगा 24% टैक्स यूट्यूब काट लेगा अगर आप फॉर्म नहीं फिल करते हैं। अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपका अकाउंट से एडसेंस अकाउंट से जितना भी अर्निंग होगा उससे 15% काटेगा, ठीक है ना। और इसके लिए एक शर्त यह है कि अगर अमेरिका से कोई भी इंसान आपका वीडियो देखेगा और उसमें जितना अर्निंग होगा उसी के ऊपर ये काटेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कहीं से भी काट लेगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ यूएस से ही काटेगा, ठीक है ना। ये टैक्स जो है सिर्फ यूएस का कोई भी बंदा अगर आपका वीडियो देखता है और उसमें जितना भी अर्निंग होगा उसी से वो 24% टैक्स काटेगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो मैं अभी पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा आप लोगों को, बस वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप लोग आराम से देखना और इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अच्छा से रीड करके आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है ना। कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को सोच समझ के फॉर्म फिलअप करना है। मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा स्क्रीन में, ठीक है। तो अगर कोई भाई मेरा चैनल में नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। दोस्तों मैं फाइनली आ चुका हूँ मेरा मोबाइल का स्क्रीन पर, आप देख सकते हो मैंने क्रोम ब्राउजर से गूगल ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर टाइप करते हैं गूगल एडसेंस। आप देखो सेकंड नंबर पर जो आ रहा है गूगल एडसेंस, उस पर क्लिक करते हैं, लॉगिन करते हैं। ये सीधा एडसेंस अकाउंट पर आपको रिडायरेक्ट करेगा, एडसेंस अकाउंट पर लेके जाएगा आपको। जैसे ही एडसेंस अकाउंट खुलेगा साइट में कॉर्नर पर आप देख सकते हो आपका सारे ईमेल आईडी वहाँ पर शो करेगा। तो आपका जिस ईमेल आईडी से एडसेंस अकाउंट बनाया आप उस पर लॉगिन हो जाइए। आप देख सकते हो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट चेक इफ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू ऑल यूट्यूब क्रिएटर एंड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर एनी एप्लीकेबल टैक्स ऑन योर पेमेंट आर एक्यूरेटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सारे यूट्यूबर को ये करना जरूरी है जिसके एडसेंस अकाउंट बन चुका है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सीधा जो मैनेज टैक्स इन्फो पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद नया पेज ओपन हुआ है, आप देख सकते हो एड टैक्स इन्फो, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप ऊपर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है मैनेज टैक्स इन्फो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग एड टैक्स इन्फो पर, जैसे ही टैक्स इन्फो पर क्लिक करते हैं ये सीधा आपका जिस ईमेल आईडी से आपका एडसेंस अकाउंट बना हुआ है उस ईमेल आईडी का आपको पासवर्ड मांगेगा। तो आप पासवर्ड फिलअप कर देना, ठीक है, मैं मेरा फिलअप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने पासवर्ड डाल दिया है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। तो देखते हैं ये नया पेज एक ओपन करेगा, चलो यहाँ पर कुछ नया पेज आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि आपका अकाउंट किस टाइप का है, ठीक है ना। आपका अगर बिजनेस है तो आप बिजनेस कर देना, बिजनेस है तो नीचे का ऑप्शन होगा, अगर आपका इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ऊपर वाला है, ठीक है ना। तो मेरा इंडिविजुअल है तो मैं इंडिविजुअल पर क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट का बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर पूछ रहा है कि आर यू सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना। आपको पूछ रहा है कि आप क्या यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हो, तो मैं तो नहीं रहता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ। तो मैं नो पर क्लिक करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर नीचे आप देखो कुछ इस तरह का लिखा हुआ है सिलेक्ट डब्ल्यू बी टैक्स फ्रॉम टाइप, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ पूछ रहे कि क्लाइम टैक्स ट्रेटी बेनिफिट जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, तो हम लोग इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट का बटन पर क्लिक करते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि कोई भी फॉर्म फिलअप करने से पहले अच्छे से रीड कर लेना बहुत ज़रूरी है,
तो आप अच्छे से रीड कर लेना, मैं वीडियो को बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं छोटा करने के लिए मैं फटाफट काम करता हूँ। Over the edge, feel like I'm floating through the... आपका एडसेंस अकाउंट में जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है आपने, चाहे वो पैन कार्ड हो चाहे वो आईडी कार्ड हो, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है आपने, सेम टू सेम यहाँ पर उसी डॉक्यूमेंट का जो नाम एड्रेस है आपको यहाँ पर सेम टू सेम फिलअप करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। तो केयरफुली आपको फिलअप करना है, सारी चीज़ एक बार अच्छे से जानकारी कर लेना है और अच्छे से रीड भी कर लेना, ठीक है। तो मैं फटाफट अपना सारी चीज़ फिलअप कर देता हूँ। आप देख सकते हो कंट्री ऑफ सिटीजन, तो यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट होगा, उसके बाद फॉरेजन टीन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मेरा पैन कार्ड का मैं नंबर डालूंगा। जैसे ही मैंने इंडिया सिलेक्ट कर दिया ऊपर, तो आप देख सकते हो फॉरेजन टीन, ठीक है ना, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। यहाँ पर आपको अपना जो पैन कार्ड का जो नंबर है ना, वो परमानेंट अकाउंट नंबर आपको वही यहाँ पर डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट फिलअप कर देते हैं। दोस्तों मैंने फिलअप कर दिया, फिलअप करने के बाद अभी जो नीचे नेक्स्ट की बटन दिख रहा है मैं उसमें क्लिक किया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपका टैक्स आइडेंटिटी का जो है वो पहला फिलअप हो गया, उसके बाद एड्रेस, ठीक है ना, परमानेंट रेसिडेंसी एड्रेस। तो आप परमानेंट रेसिडेंसी एड्रेस का आप नीचे देखो एक टिक मार्क लगाने को बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो आप वहाँ पर टिक मार्क लगा के आप देखो कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर देना। उसके बाद आपने एडसेंस अकाउंट बनाने का टाइम जो एड्रेस आपने डाला था सेम टू सेम एड्रेस आपको फिलअप कर देना है, एड्रेस लाइन वन, एड्रेस लाइन टू, टाउन सिटी, ठीक है ना, सारी चीज। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. सारे एड्रेस भरने के बाद यहाँ पर लिखा पूछ रहा है आपको पोस्टल एड्रेस इज सेम एच परमानेंट रेसिडेंसी एड्रेस, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम टिक मार्क लगा देते हैं। टिक मार्क लगाने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, वो एक नया फिर से एक नया पेज ओपन होगा। आप देख सकते हो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर बटन पर क्लिक किया, आप देख सकते हो मैंने जो एड्रेस फिलअप किया वो सारे चीज़ शो कर रहा है। पहले जो एडसेंस आईडी में मैंने जो एड्रेस डाला था वो एड्रेस और ये एड्रेस सेम है, ठीक है, मैच हो गया। मैच होने के बाद नीचे कुछ फिलअप करने को बोल रहा है, तो फिलअप करते हैं। ये तीन नंबर वाला ऑप्शन जो है टेक्स्ट ट्रीटी, ठीक है ना, तो टेक्स्ट ट्रीटी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आर यू क्लाइम ए रिड्यूस्ड रेट ऑफ विथ होल्डिंग अंडर ए टैक्स ट्रीटी, ठीक है ना, आपको पूछ रहा है, तो आप पढ़ लेना। तो यहाँ पर हम लोग यस पर क्लिक करते हैं, नीचे जो टिक मार्क आ रहा है आप वहाँ पर टिक मार्क लगा दो, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो कंट्री सिलेक्ट करने को आ रहा है, इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ से मैं मेरा कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं, जो जिसका आप जहाँ से हो आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सर्विस पर टिक मार्क लगाते हैं, उसके बाद आर्टिकल सिलेक्ट करने को बोल रहा है, यहाँ पर मैं 7 पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद विथ होल्डिंग रेट जो है यहाँ पर 0% सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर नीचे टिक लगाते हैं, टिक लगाने के बाद देखते हैं फिर यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, मोशन पिक्चर एंड टीवी यूट्यूब, ठीक है ना, तो यहाँ पर टिक मार्क लगाते हैं, यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर पर आर्टिकल एंड पैराग्राफ पर जो है वहाँ यहाँ पर हम 12 सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद विथ होल्डिंग रेट पर जो है 15% सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 50% रिड्यूस रेट। उसके बाद खाली बॉक्स पर टिक मार्क लगा देते हैं। उसके बाद आप नीचे भी देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है अदर कॉपीराइट यूट्यूब गूगल प्ले, तो यहाँ पर टिक मार्क लगाते हैं।
आर्टिकल 12 सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद रिड्यूस रेट 15% सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया मैंने, थोड़ा टाइम लगेगा, नेट स्लो है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपने करेक्ट एंड कंप्लीट तरीके से आपने सही से फॉर्म फिलअप किया है क्या। तो अगर आपने सही से फॉर्म फिलअप किया है तो यहाँ पर टिक मार्क लगा देंगे, टिक मार्क लगाने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको पूछ रहा है आपका फुल लीगल नेम, जो आपका डॉक्यूमेंट में है आपको वही नाम डालना है, जो आपका एडसेंस में है वही नाम डालना है, सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं करना है। तो मैं मेरा नाम यहाँ पर एडसेंस में या डॉक्यूमेंट में जो नाम है मैं वही नाम डाल देता हूँ, आप भी अपना बराबर से डाल देना और चेक ज़रूर कर लेना। नाम लिखने के बाद आप देख सकते हो नीचे लिखा है आई एम द पर्सन, ठीक है ना, तो आप उस पर टिक मार्क कर दो। आप देख सकते हो फिर से एक नया पेज ओपन हो गया। आपको यहाँ पर पूछ रहा क्या आप US में रहते हो, US में कोई जॉब करते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं नो कर दूंगा, नो पर क्लिक करता हूँ। नो पर क्लिक करने के बाद एक एम्प्टी बॉक्स है, उसमें टिक मार्क लगा देते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने कभी पहले एडसेंस से आपका पेमेंट उठाया है क्या, पेमेंट मिला है क्या आपको। अगर आपको पेमेंट नहीं मिला तो आप ऊपर वाला ऑप्शन चूज करना, अगर किसी को पेमेंट मिल चुका है तो नीचे वाला ऑप्शन चूज करें। उसके बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, आप सबमिट पर क्लिक कर दें। मुझे तो नहीं मिला है इसलिए मैं ऊपर वाला ऑप्शन चूज करूँगा, तो मैं ऊपर वाला ऑप्शन चूज कर लिया, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है ना, सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो फॉर्म फिलअप किया था फ्रॉम W8BEN यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो, ठीक है ना, तो ये अप्रूव दिखा रहा है स्टेटस। उसके बाद यहाँ पर सारे मोशन पिक्चर एंड टीवी क्लाइम दिखा रहा है, अदर कॉपीराइट WST रेट 15% क्लाइम दिखा रहा है, फ्रॉम W8BEN सर्विस वो भी क्लाइम दिखा रहा है, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो मेरा अप्रूव दिखा रहा है। तो आप भी इसी तरह से करना, आपका भी अप्रूव दिखाएगा, शायद मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा, ठीक है ना, तो अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।